दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी के अंदर दो जिलों के अंदर जो रेलवे लाइन बचाई जाएगी उसके बारे में। तो इसमें यूपी का बहराइच जिला है, वहाँ से लेके और नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन तक नई रेल लाइन बनाई जाएगी, तो उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो उसमें हम जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई कितनी रहने वाली है और इस प्रोजेक्ट का जो लागत है वो कितनी रहेगी और इस प्रोजेक्ट पर कौन कौन से रेलवे स्टेशन बनाए जाने हैं और इस रेल प्रोजेक्ट के बनने से क्या क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में रेल में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है और उत्तर प्रदेश में इस रूट पर 56.15 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाई जाएगी और इसका जो काम है वो शुरू हो गया है और इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 342 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। पिछले दिनों बजट के तहत इससे ब्रॉडगेज नई रेल लाइन को 342 करोड़ रुपये मिले थे और आमान परिवर्तन के तहत 342 करोड़ से 56.15 किलोमीटर रेल लाइन का जो मीटर गेज है उससे ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए रेल मंत्रालय ने 342 करोड़ रुपए बजट पास किया था। अक्टूबर 2023 से 180 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी पूर्वोत्तर रेलवे को अवमुक्त कर दी गई थी। ब्रॉडगेज लाइन बनने के बाद ही ट्रेनों का जो संचालन है इस लाइन पर शुरू कर दिया जाएगा। आमान परिवर्तन का कार्य पूरा करने के लिए 1.5 साल का लक्ष्य रखा गया है और इस रूट पर 4 बड़े तथा 19 छोटे पुलों का निर्माण कराया जाएगा। ब्रॉडगेज बनने के बाद ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इससे बहराइच व गोंडा जिले की लगभग 85 लाख की आबादी को इसका लाभ मिल सकेगा। आमान परिवर्तन का कार्य 2 चरणों में होना है। पहले चरण में बहराइच से नानपारा तक 35.61 किलोमीटर का कार्य होगा। ये कार्य पूरा होने के बाद नानपारा से नेपालगंज रेलवे स्टेशन तक 20.54 किलोमीटर का कार्य कराया जाएगा। 2 चरणों में कार्य होने की वजह से जो कार्य है उसमें तेज़ी आएगी और कार्य जल्दी हो पाएगा। बहराइच से नेपालगंज रूट का जो आमान परिवर्तन का कार्य पूरा करने के लिए 1.5 साल का लक्ष्य रखा गया है और इस रूट पर 4 बड़े तथा 19 छोटे पुलों का निर्माण कराया जाएगा। ब्रॉडगेज बनने के बाद ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इससे बहराइच व गोंडा जिले की लगभग 85 लाख की आबादी को इसका फ़ायदा मिलेगा। आमान परिवर्तन के मद्देनज़र 342 करोड़ रुपये से 56.15 किलोमीटर रेल लाइन को मीटर गेज से परिवर्तित करके ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके लिए अब कार्य शुरू हो चुका है और जल्दी ही 85 लाख लोगों को इस रेलवे लाइन का जो फ़ायदा है वो मिलने लगेगा। अब जानते हैं कि इस रेल लाइन पर कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं वो बनाए जाने हैं। रेल लाइन पर 6 रेलवे स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसमें पहला रहेगा बहराइच, दूसरा रिसिया, तीसरा रहेगा माटेरा और चौथा रहेगा नानपारा जंक्शन और पांचवा रहेगा बाबागंज और छठवा और लास्ट स्टेशन रहेगा नेपालगंज रोड। बहराइच जो रेलवे स्टेशन है वो पहले से बना हुआ है और बाकी जो रेलवे स्टेशन है उनको ब्रॉडगेज रेल लाइन के हिसाब से बड़े रेल स्टेशन बनाए जाएंगे।